ध्यान रखना माताओं, अगर माँ चाहे तो संतान को, पुत्र को भगवान, नहीं तो भगवान के गुणों जैसा अपना पुत्र पैदा कर सकती है। अगर भगवान नहीं बना सकती तो भगवान का भक्त तो बना ही सकती है गर्भ के अंदर। अगर माँ तीन काम करे, पहला काम गर्भवती जो माताएं होती है, सुबह उठ करके एक किलो या दो किलो अनाज चाकी से पीसे, क्योंकि जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है इसी प्रकार से चाकी का पाट घूमा करता है। जिस प्रकार से भगवान के घंटा और घड़ियालों की आवाज मंदिरों से आती है, वैसे ही जब चाकी चलाई जाती है तो चाकी की गड़गड़ाहट आती है, बच्चे के कानों तक जाती है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उन्हें रोज सुबह 4 बजे उठ करके गाय के परिक्रमा लगाने चाहिए, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का उनके शरीर में विराजमान होते हैं। गर्भवती माताएं जो होती हैं, एक गिलास दूध गाय का पिए, लेकिन आज कल उसे कह दे गाय को दूध पी ले तो कहे अरे गाय को दूध तो देखवे, उसे उल्टी आती है, तुम पीवे की बात कर रही हो। तुम्हें पता होगा कि जब गाय के बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते कि नहीं। गाय का दूध पियोगे तो बच्चा बछड़ा पैदा होगा, अगर भैंस का दूध पियोगे तो क्या होगा, हम नहीं कहेंगे भाई, आप ही कहो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं कि अगर माँ तीन काम करे तो भगवान नहीं, भगवान के गुणों वाला भगवान का भक्त पैदा कर सकती है। हे जननी तू पुत्र जन के दाता का शूर, और ना ही तो तू बांझ रहे के वृथा गमावे। हे माताओं, अगर संतान पैदा करनी है तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह, शिवाजी जैसे पुत्र पैदा करो, और अगर बेटियां पैदा करनी है तो रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, ऐसी बेटियां पैदा करो जो समाज में नाम रोशन, अपना और अपने माता और पिता का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। 12 वर्ष के बाद में उस बेटे का जन्म हुआ। स्वयं मायापति भगवान ने जाकर के कहा कि आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आइए, हमारी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी। और माया के चक्कर में आज उस पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा था। जब स्वयं मायापति भगवान ने कहा कि माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं करेगी, तो 12 वर्ष के बाद में उस बालक का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही उस बालक घर को त्याग दिया, जन्म लेते ही घर को छोड़ दिया। आज किसी 20-22 साल के लड़का से कहो कि लला घर छोड़ के कहो नौकरी पे चले जाओ, तो कहेंगे अरे मैया नौकरी पे कैसे चले जाए, हम तो जा नहीं सकते हैं। क्योंकि जो आनंद घर में होता है वो बाहर नहीं होता है, बाहर तो बाहर होता है। नौकरी करने जाओगे, नौकर बन के जाओगे, काम करना पड़ेगा। अपने घर में 1 दिन रहो या 2 दिन रहो या 4 दिन पड़े रहो, कोई कहने वाला नहीं है। अगर बाहर आपने काम नहीं किया तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे से कहो कि बेटा 2-4 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ, तो आज का बच्चा जो है 2-4 दिन के लिए घर से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन देखिए उस छोटे से बच्चे ने जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया। माँ ने बहुत रोका, पिता ने बहुत रोका, लेकिन नहीं माने और जा करके हर हर गंगा के तट पर विराजमान हुए।